मांडू एक ढीठ इंसान था। उसने शादी के बाद कभी अपनी पत्नी को उसके माँ बाप के घर जाने नहीं दिया। उसकी पत्नी नैना बोलती, कभी एक दिन के लिए तो मुझे जाने दो अपने माँ बाप के पास, मैं अकेली चली जाऊंगी पैदल, टांगा भेजने की भी जरूरत नहीं। मांडू एक दिन तंग आकर बोल ही दिया, ठीक है कल तुम्हें छोड़ आऊंगा तुम्हारे बाप के घर। नैना खुश हो गई। अगले दिन जंगल से गुजर कर दोपहर तक मांडू अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसकी जमकर खातिरदारी हुई। शाम तक वो अपने घर वापस आने को तैयार हो गया। बेटा शाम हो गई है, जाते जाते काफी रात हो जाएगी, जंगल का रास्ता भी है, कुछ अनहोनी ना हो जाए बेटा, आज रुक जाओ कल सुबह निकल जाना। अभी तो कोई टांगा भी नहीं मिलेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। सुना है जंगल के रास्ते पर जो बरगद का पेड़ है वो कुछ अच्छी जगह नहीं है, रुक जाओ बेटा। मगर ढीठ मांडू ने किसी की नहीं सुनी, निकल पड़ा अकेले पैदल। जंगल पहुँचते पहुँचते काफी अंधेरा घिर चुका था, अब उसे डर लगने लगा। बरगद के पेड़ के पास आते आते उसका बुरा हाल था। बरगद के पेड़ पर रहती थी एक चुड़ैल। ऊपर की टहनी से वो कूद पड़ी मांडू के ठीक सामने। अरे कहाँ चला रे, आज बहुत दिनों के बाद एक इंसान मिला है, आम के चटनी के साथ खाऊंगी। मांडू के कंधों पर हाथ फेरते हुए, बड़ी चर्बी चढ़ा रखी है बदन पर, तू तो बिना घी के तड़का लग जाएगा, आज मैंने एक लोमड़ी खा ली है, तुझे कल खाऊंगी। ये कहकर उसने बरगद के जड़ को चीर दिया और उसमें मांडू को बंद कर दिया। इस खींचातानी में मांडू का एक चप्पल बाहर रह गया। इधर नैना को अपने माँ बाप के घर दो दिन और रुकना था, लेकिन अपने पति को अकेला छोड़कर वो बेचैन होने लगी। बाबूजी मैं घर जा रही हूँ, उनको अकेले बहुत तकलीफ हो रही होगी। एक दिन और रुक लेती बेटी। नहीं बाबूजी, फिर कभी आ जाऊंगी। नैना अपने माँ बाप से विदा लेकर चल पड़ी। दोपहर के वक्त जंगल में चुड़ैल के बरगद के पास पहुँची। चुड़ैल उसे दूर से ही आती देख रही थी। अरे वाह, कल एक आदमी आज एक औरत, दोनों के अलग अलग स्वाद, मुंह में पानी आ रहा है। नैना जैसे ही पेड़ के नीचे आई, चुड़ैल ऊपर से कूद पड़ी एकदम सामने। अरे कहाँ चली जा रही हो महारानी जी, पंडिया बैठे हैं, हमसे भी तो मिलती जाओ। नैना समझ गई, ये बरगद पर रहने वाली चुड़ैल है। पेड़ के पीछे उसे अपनी पति की चप्पल पड़ी दिखी। नैना को मालूम हो गया उसके पति को भी चुड़ैल ने कैद कर लिया है। मैं जानती हूँ आप भूखी हैं, इसलिए खुद चलकर आ गई। आपके लिए अचार भी लेकर आई हूँ, उसके साथ मुझे खा लेना, जायकेदार रहेगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा आपको माननी पड़ेगी। तू मेरे लिए अचार लाई है, तेरी सब इच्छा पूरी करूँगी, बोल तू। मरने से पहले मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। कर ले, तब तक मैं झील से नहा कर आती हूँ, लेकिन भागने की मत सोचना, तेरे चारों ओर एक लकीर डाल दी है मैंने, भागेगी तो उसमें से सांप निकल कर डस लेंगे तुझे। चुड़ैल नहाने चली गई। नैना ने अपने साथ लाए चंदन के चूरे का घोल बनाया और लोटे में रख दिया। जैसे ही चुड़ैल नहा कर आई, नैना ने पूरे चंदन के घोल को चुड़ैल के माथे पर उढ़ेल दिया। ये तूने क्या किया, चंदन चुड़ैलों के लिए जहर है, पूरा बदन जल रहा है मेरा। ये कहती हुई चुड़ैल पछाड़े मार कर भागने लगी। बरगद का जड़ फट गया, उसमें मांडू सही सलामत था। चुड़ैल के लकीर के सांपों ने फन पटक पटक कर दम तोड़ दिए। नैना और मांडू ने घर की राह पकड़ी। ये कहानी एक डिलीवरी मैन की है, जो खाने के सामान को सबके घरों तक डिलीवरी किया करता था। आजकल टोमेटो और कुबेर ईट्स काफी तेजी से चल रही थी और लोग तेजी से अपने भोजन को आधे दाम पर मंगा रहे थे। मुझे आज फुल प्लेट चिकन चिली ऑर्डर करना है, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। वो लड़की खाना ऑर्डर कर लेती है और तुरंत दुकानदार को कॉल करती है। हेलो खुशी रेस्टोरेंट, मैंने एक फुल चिकन चिली ऑर्डर की है, मेरा खाना कब तक बन जाएगा? बस आधे घंटे में आपका खाना पहुंच जाएगा मैडम।
ठीक है सर। वो लड़की अपना खाना फोन से चेक करती है और देखती है कि उसका खाना डिलीवरी मैन लेकर निकल चुका है। वो तुरंत डिलीवरी मैन को कॉल करती है और बोलती है, भैया कहाँ पहुँचे आप? मेरा खाना कब तक ला रहे हो? रास्ते में हूँ मैडम, आपका खाना तुरंत पहुँचा रहा हूँ। ओके भैया। वो डिलीवरी मैन कुछ ही देर में उस लड़की के एड्रेस में खाना पहुँचा देता है और वहाँ से चला जाता है। वो डिलीवरी मैन फोन में देखता है किसी का ऑर्डर आया हुआ है। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद। वो अपनी बाइक लेकर होटल से अपना भोजन लेता है और गाड़ी से जाता रहता है। वो आज दिन भर से कुछ खाया ही नहीं था, उसे जोरों की भूख लगी थी। वो कुछ देर सोचता है और इतनी भूख में वो परेशान हो चुका था। वो गाड़ी रोकता है और जो खाना था उसे फाड़ कर देखने लगता है। मैं सोचता हूँ यही भोजन मुझे थोड़ा खा लेना चाहिए और फिर इसे पैक करके दे देना चाहिए। वो डिलीवरी मैन आधा खाकर फिर से पहले जैसा पैक कर देता है। कितना स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। इतना बोलकर वो गाड़ी लेकर खाना पहुंचाने चला जाता है। ये लीजिए आपका डिलीवरी। थैंक यू भैया। वो डिलीवरी मैन वहां से चला जाता है और खुद से ही सोचता है, वाह इस काम में कितना स्वादिष्ट भोजन है। अगर मैं रोजाना डिलीवरी करूंगा तो कितना भोजन कर सकता हूं मैं। मुझे बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यही ढेर सारे पैकेट से थोड़ा थोड़ा स्वादिष्ट भोजन करके पेट भर सकता हूं। वो बैठा रहता है कि तभी उसकी डिलीवरी आती है और वो होटल से खाना लेकर पहुंचने निकलता है। वो कुछ देर रास्ते में जाता है और रुकता है। आज देखता हूँ क्या है खाने में। वो फिर से पैकेट फाड़ता है और भोजन देखता है और उसमें चिकन कढ़ाई थी। वो आधा भोजन करके आधा पैक कर लेता है और पहुँचाने के लिए निकल पड़ता है। वो जाकर डिलीवरी लोगों तक पहुँचा देता है। जब लोग भोजन खोलते हैं तो देखते हैं कि इस पर तो आधा भोजन है। अरे इसमें तो फुल प्लेट नहीं है, ये तो हाफ प्लेट लग रहा है। लोग तुरंत होटल में कॉल करते हैं, भैया ये कैसा भोजन दिया है? हमने फुल प्लेट मंगाया है और आपने हाफ प्लेट भेज दिया है। पर मैडम हमने तो फुल प्लेट भेजा था आपको। ये हाफ प्लेट है, मैं आपको फोटो भेज दूं क्या? वो होटल वाला सोचता रहता है और फिर कुछ ही देर में फिर से फोन आता है और वो भी बोलता है कि आधा भोजन आया है। हम हमेशा फुल प्लेट ही भेज रहे हैं और ये हाफ क्यों जा रहा है? तभी वहाँ डिलीवरी मैन फिर से ऑर्डर पहुँचाने के लिए आता है। भैया खाना पैक कर दो, ऑर्डर पहुँचाना है। वो होटल वाला उसे गौर से देखता है और फुल प्लेट पैक करके दे देता है। मुझे इस डिलीवरी मैन पर ही शक हो रहा है, यही कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहा है। वो होटल वाला अपने एक आदमी को उसके पीछे पीछे भेजता है और उसका आदमी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी देखता है कि वो डिलीवरी मैन आधा भोजन खाकर पैक करके जा रहा है। वो आदमी तुरंत उसकी फोटो खींच लेता है। असली चोर तो यही है, अब मैं मालिक को इसकी कारनामे दिखाता हूँ। वो आदमी होटल के मालिक को सारी घटना की खबर सुना देता है और डिलीवरी मैन की आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो वहाँ आता है वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाता है। तो तू असली चोर है, अब तू जाएगा जेल। मैंने क्या किया मालिक? वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं और वो डिलीवरी मैन को पकड़ कर जेल ले जाते हैं और उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। बेचारा डिलीवरी मैन 10,000 जुर्माना देकर रोता हुआ बोलता है, मैंने जितना खाया नहीं इससे ज्यादा तो मुझे बिल भरना पड़ गया, मेरी लालच की वजह से सब महंगा पड़ गया। रामलाल की मोती चूर के लड्डू की दुकान थी। उनके दुकान के लड्डू का स्वाद इतना अच्छा था कि दूर दूर से लोग उनके दुकान पर लड्डू खरीदने आते थे। एक दिन रामलाल का बेटा राजू शहर से वापस अपने गाँव आता है। रामलाल उससे कहते हैं,
अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर जा सकता हूँ। तुम 10-12 दिनों के लिए दुकान संभाल लेना, ठीक है? ठीक है पिताजी। और राजू दुकान पर बैठकर लड्डू बेचने लगता है और कुछ सोचते हुए खुद से ही बात करता है। ऐसे दिन भर दुकान पर बैठने से अच्छा जैसे शहर में पैसे निकलने के लिए एटीएम मशीन होता है, वैसे लड्डू के लिए कोई मशीन लगा लूं। फिर वो एक मशीन मंगवा लेता है जिसमें पैसे डालने से लड्डू बाहर आते हैं। वो सभी गांव वालों को दुकान पर इकट्ठा करता है और कहता है, सुनिए ये है लड्डू देने वाली मशीन, इस मशीन में पैसे डालने पर लड्डू बाहर आ जाएंगे। देखिए आप इसमें 200 रुपए का नोट डालिए तो आपको 1 किलो लड्डू मिल जाएंगी। और अगर हमें आधा किलो लड्डू चाहिए तो आप 100 रुपए का नोट डाल देना। देखिए बहुत आसान है ये, और इस मशीन की वजह से आप जब चाहे लड्डू खरीद सकते हैं। 24 घंटे चालू रहेगी ये मशीन, तो आज से दुकान बंद, आप सब इस मशीन से ही लड्डू खरीदना, ठीक है? भोलू चाचा कहते हैं, अरे राजू 2 दिन हो गए हैं, ज्यादा लड्डू नहीं बिक रहे। उस दिन जो लड्डू मैंने मशीन में भरे थे वो भी खत्म नहीं हुआ है अभी। अरे चाचा मशीन अभी नया है, जैसे ही लोगों को इसके फायदे पता चलेंगे और मशीन कैसे काम करता है वो पता चलेगा, देखना पिताजी से भी ज्यादा बिक्री होगी लड्डू की। एक रात एक गांव वाला उस मशीन के पास आता है। उसके पास 100 रुपए के नोट की कलर जेरोक्स होती है जो कि दिखने में बिल्कुल 100 रुपए की असली नोट जैसी थी। वो सोचता है कि क्यों ना इस मशीन में डाल कर देखा जाए। फिर वो नकली नोट गांव वाला लड्डू के मशीन में डालता है और आधा किलो लड्डू बाहर आते हैं। गांव वाला खुश होता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलती है और अब सब नकली नोट मशीन में डालकर लड्डू लेकर जाने लगते हैं। बोलू चाचा देखा ना लड्डू कैसे जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, और मैंने कहा था ना आपसे लोग इस मशीन से लड्डू जरूर खरीदेंगे। कल से आप और 4 किलो लड्डू ज्यादा बनाकर भर देना मशीन में। ठीक है बेटा, लेकिन तुम हिसाब तो रख रहे हो ना? नहीं नहीं अभी नहीं, पिताजी आ जाए फिर उनके सामने ही मशीन खोलूंगा और उन्हें चौंका दूंगा सारे पैसे दिखाकर। राजू मशीन खोलता है और देखता है कि कुछ नोट छोड़कर बाकी सब नोट नकली होते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने नालायक, सब लोग नकली नोट डालकर लड्डू लेकर जा रहे थे, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। अब जब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती तुम्हें मेरे साथ दुकान में काम करना पड़ेगा। और राजू मायूस होकर नकली नोटों की तरफ देखता रहता है।